मंडलायुक्त जयंत नलिकल ने शुक्रवार को उच्चीकृत स्वास्थ्य केंद्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र के टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया तथा वहां पर पत्रकारों को किए जा रहे कोविड वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी हासिल की और निर्देश दिया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के पत्रकारों के लिए भी कैंप का आयोजन कर वैक्सीन लगाई जाए। उन्होंने कहा कि सभी मीडिया कर्मियों को इस केंद्र पर वैक्सीन लगाने की सुविधा प्रदत्त की गई है, जिसका लाभ सभी पत्रकारों को मिलना चाहिए और पत्रकार बंधु इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इस मौके पर CDO इंद्रजीत सिंह, CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे, अध्यक्ष मार्कंडे मणि त्रिपाठी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडे मणि त्रिपाठी, CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे और मंडलायुक्त जयंत नलिकर ने कहा। कोरोना महामारी को देखते हुए जिस तरह से कोरोना समूचे भारत में सेकेंड वेव में तबाही मचाए हुए है, तो उसी को देखते हुए पत्रकार साथियों के लिए एक टीकाकरण का विशेष कैंप लगाया गया है, जिसमें आज अभी 45 से ऊपर उनके पत्रकार उनके परिवार के लिए है। कल परसों में संभावना है कि 18 से 44 का भी लगना शुरू हो जाएगा, चूँकि ये कोरोना ये फ्रंट वॉरियर्स होते हैं, ये अभी आगे बढ़ के अपना कवरेज करते हैं, जगह जगह जाना होता है, तो उसी के दृष्टिगत यह कैंप लगाया गया था और आज अब तक करीब जो है 60-70 लोग यहाँ पर टीकाकरण करा चुके हैं।
जो छूट जाएंगे उनके लिए क्या है? जो छूट जाएंगे उनके लिए भी है, सीएससी पीएससी सारे जगह कह दिया गया है, सीएमओ गोरखपुर ने कह दिया है, हर जगह प्राथमिकता के आधार पर पत्रकारों का टीकाकरण जारी रहेगा। 18 प्लस के लिए शासन जनमत मांगी गई है, उम्मीद है कि कल तक आ जाएगा और उनका भी शुरू हो जाएगा। हाँ, आज बहुत दिन से हम चाह रहे थे और पत्रकार बंधु हमारे भी चाह रहे थे कि हम लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए एक सेंटर बना दिया जाए, तो आज हम लोगों ने ये एक्सक्लूसिव पत्रकार भाइयों के लिए सेंटर बनाया हुआ है। इसमें 45 साल के ऊपर जितने भी हमारे पत्रकार भाई हैं बंधु हैं वो सभी आएँ और टीकाकरण कराएँ। आज के दिन, आज का दिन पूरा उनके लिए है यहाँ पर, और जो लोग पहले से पोर्टल पर इंटर कर चुके हैं वो लोग भी आए, और जो नहीं किए हैं पोर्टल पर इंट्री अगर 45 साल के ऊपर हैं तो आए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा करके वैक्सीनेशन कराएं। सर, इसके लिए कोई दिन निर्धारित किया गया कि आज ही होगा या इसके अलावा अलग दिन? आज के लिए एक्सक्लूसिव ही उनके लिए है और बाकी दिनों में तो चलता रहेगा, तो आते रहे और कराते रहे। कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में, क्योंकि मीडिया के जो हमारे बंधु हैं चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटल हो, प्रिंट हो, ये सभी फ्रंटलाइन वर्कर की तरह ही हैं, क्योंकि हम लोगों की तरह आप भी जो भी इस समय संक्रमण का प्रबंधन है उसमें सामने से उसको फाइट करते हुए आप जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ, और इसलिए ये प्रयास है कि दोनों वर्गों में 18 से 45 तक वाले में और 45 से ऊपर वाले में जो डिफरेंट रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए आप लोगों को भी वैक्सीनेट किया जाए, और वही प्रयास यहाँ गोरखपुर जनपद में भी किया जा रहा है और अन्य जनपदों की तरह, और आशा करते हैं कि आप सभी लोग और आपके परिवार इसका फ़ायदा उठा के वैक्सीनेट होंगे। वैक्सीनेशन की जो गाइडलाइंस हैं AEFI की हैं वो आपसे अनुरोध है कि उसको आप फॉलो करेंगे, और ये भी आशा है कि अभी भी कुछ जगहें जो छोटी सी थोड़ी सी भ्रांतियाँ रहती हैं वो आपके माध्यम से अब और दूर होंगी, क्योंकि आप और आपका परिवार खुद वैक्सीनेट हो रहा है, तो आप उसको देख पाएंगे कि वैक्सीनेशन जो भी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के क्रम में हो रहे हैं वो पूर्णतया सुरक्षित हैं, वैज्ञानिक रूप से हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद अभी तक प्रूव हुए हैं। 18 साल के ऊपर, देखिए 18 से 45 साल के बीच में जो वैक्सीनेशन हो रहा है 45 से कम, उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के उसमें स्लॉट मिल रहा है, और अभी तक के यही निर्देश प्राप्त हुए हैं, और इसमें भी हम लोग आपको जो भी मदद करनी होगी हम लोग कर देंगे, लेकिन उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करा के ही आना है, और उसमें रजिस्ट्रेशन करा के जो स्लॉट और जो प्लेस मिलेगा वहाँ पर वैक्सीनेट होगा।